आज हम क्रिस्पी, क्रंची, करारी मूंगफली की चटनी बना रहे हैं। इस तरह से आप चटनी बनाओगे, दाल चावल के साथ खाओगे, आपको किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कटोरी मूंगफली लिए है। इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। यहाँ पर हमने 6 से 7 हरी मिर्च ली है, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए। 5 से 6 कली इसमें हम लहसुन की डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालना है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिए। अब इसे हम पल्स मोड पर पीसेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। देखिए मूंगफली को हमने पीस लिए है, इसमें हमने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किए है और इसे हमने दरदरा पीसे है। अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो ये थोड़ा बारीक हो जाता और चटनी खाने में अच्छी नहीं लगती और इससे पकाने में बहुत समय लगता। ये दरदरा पिसा हुआ है और बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं हुआ है तो झटपट बनकर तैयार होगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल रखे है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चटनी डाल देंगे पिसी हुई। ऑयल गर्म होने के बाद ही डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चटनी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे क्रिस्पी होए तक का हमें पकाना है। आँच धीमा रखना है, अगर आँच तेज रखे, मीडियम रखे तो जल सकता है, इसलिए धीमा ही रखना है, मीडियम भी नहीं करना है आँच को। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, करारी चटनी बनकर तैयार होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। अगर आप इस तरह से चटनी बनाओगे तो आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल चावल के साथ इसे आप खाओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा खाकर। इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किए थे, इसीलिए पानी का यूज़ नहीं किए थे। अगर पानी का यूज़ करते तो इसे क्रिस्पी करने में बहुत समय चला जाता। इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं हुआ है तो ये झटपट बनकर तैयार होगा, बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा इसे बनाने में। मूंगफली में हमने सिर्फ नमक डाले हैं, हरी मिर्च और लहसुन, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी सुपर टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार होगी। आप एक बार इस तरह से अगर चटनी बनाकर खाए तो गारंटी है मेरी कि आप बार बार सिंगदाने की चटनी, मूंगफली की चटनी इसी तरह से बनाओगे। इतना टेस्ट इसका अच्छा लगता है खाने में कि किसी भी इंसान को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको पसंद आने वाली चटनी है ये। इस चटनी में बहुत कम सामान का यूज़ हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनती है, पर थोड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है कि इसे जब हम ऑयल में डालेंगे तो आँच को हमें रोकना नहीं है। ऑयल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए, आँच धीमी होनी चाहिए और हमें हमेशा कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। ये जलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाता है, अगर जल गया तो सारा टेस्ट का सत्यानाश हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, स्मेल अच्छी नहीं आती है, इसीलिए थोड़ी मेहनत है सिर्फ चलाने की बस। देखिए क्रिस्पी हो रहा है, आँच एकदम धीमा है, इसे थोड़ा सा हम क्रिस्पी और कर लेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, पूरा क्रिस्पी हो गया है। एक एक दाना देखिए इसका अलग है। देखिए इस तरह से आप एक बार चटनी ज़रूर बनाइए, यकीनन आपको पसंद आनी ही आनी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम चलाते ही रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर हमने चलाना बंद कर दिए तो नीचे से जल सकता है, इसके लिए कम से कम 2 मिनट हमें इसे चलाते रहना है गैस बंद करने के बाद भी। और इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसे चलाते रहेंगे तो और भी क्रिस्पी हो जाएगा, इसीलिए हमें 2 से 3 मिनट बस इसे चलाना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, अब चटनी कहीं से हमारी जलेगी नहीं, सुपर टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसे आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करिए। देखिए कितनी क्रिस्पी चटनी बनकर तैयार हुई है, बहुत सही पता चलता है, एकदम कुरकुरी चटनी बनी है, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरह से मूंगफली की चटनी जरूर बनाइए।